अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, मैं हूं ताबिश हाशमी। वेलकम टू जश्न क्रिकेट प्रेजेंटेड बाय कोक एमिरेट्स जुबली इंश्योरेंस एंड वुल्फ 777 न्यूज। खवातीन हज़रात, आज का पूरा के पूरे दोनों मैच पानी की नजर हो गए, चिप चिप हो रहा है पूरा वर्ल्ड कप। वसीम भाई और मुइन भाई, पानी नहीं है तो पाकिस्तान में नहीं है। मैच फंड भी पानी फिर गया। आज दो बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस थे, अफगानिस्तान वर्सेज आयरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंग्लैंड, जो बिल्कुल पाकिस्तान इंडिया के मतलब सब समझ लें दूसरे नंबर पे वो बड़ा मैच था। दोनों मैच पानी की नज़र हो गए, एक लिहाज से अच्छा भी हुआ, वरना ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में से अगर कोई टीम हार जाती तो वर्ल्ड कप से बाहर होती। और एक और चीज़ है मुइन भाई, आज के सानिया जिम्बाब्वे को आज दूसरा दिन, कल जो पाकिस्तान के साथ हुआ उसको एक सानिया ही करार देंगे, इसलिए मेरे साथ अच्छा, कल की मैं समझो मिस्टर बीन का जो नकली बेल्ट है ये वो उसको तो 5-6 साल हो चुके हैं, 2016 में गया था बेचारा। तो आज मेरे साथ पैनल में फिर से मौजूद है गम में डूबे हुए मुइन भाई। कैसे मुइन भाई? मैं ठीक हूँ। खुश हैं? खुश तो नहीं है, खुश तो नहीं है, बट आपको देख के थोड़ा सा खुश हुआ। मैं पूछना चाह रहा था जी जी मुइन भाई, ये शेव कहाँ से करवाते हैं आप? मुइन भाई मैं ऐसे खुद कर लेता हूँ। मुइन भाई मैं सीने की पूछ रहा हूँ। बंद करके बैठूंगा मैं अपना सीना, क्योंकि मेरे पास मौजूद है मुमताज ऑलराउंडर और आदमी हसीन इमाद वसीम। कैसे इमाद? अल्लाह का शुक्र, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल तो यार आप सूट बूट में आए थे, एक हार ने आपको जींस टी शर्ट में कन्वर्ट कर दिया यार। नहीं नहीं, मैं काफी सूट बूट पहन लिया, मैंने कहा आज जरा कैजुअल हो जाऊं। कैजुअल, हम दोनों अब कैजुअल हो चुके हैं। बीच में मौजूद हैं एक इंतहाई अच्छे सिंगर और एक अच्छे एक्टर, दिल से मानते हैं खान साहब को अपना कायद। मेरे पास मौजूद है हारून शाहिद। कैसे हैं हारून? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हारून, आपने तो माशाल्लाह से जर्सी पहनी है पाकिस्तान टीम की, क्या आप भी इमाद की तरह सेलेक्ट नहीं हुए इस बार? नहीं नहीं, हम तो बेचारे आउटसाइडर्स हैं, लेकिन अगेन पाकिस्तान यार है तो पाकिस्तानी ना सारे यार। अरे यार ये तो ये बात अच्छी चीज है। इन्होंने कहा मैं जैकेट नहीं उतारूंगा, जो मर्जी हो जाए, दिस इज व्हाट पाकिस्तानी फैंस है, हमारी पहचान है। धोने के लिए तो उतारे, अच्छा नहीं लगेगा कि आप उतारेंगे इसको, उतारे धोए फिर पहन लें आफ्टर द वर्ल्ड कप इंशाल्लाह। हां हां, आप टैटू बनवा लें इधर चांद सितारे का ना, ताकि वो उतारने का झंझट खत्म हो, डन हो गया। मुइन भाई, आज दोनों मैचेस वॉश आउट हो गए, आपको क्या लगता है? पहले अफगानिस्तान आयरलैंड की बात करते हैं, दोनों में से किस टीम का फायदा हुआ, दोनों का हुआ या किसी एक का हुआ? नहीं, हमेशा देखिए छोटी टीमों का फायदा होता है। आयरलैंड नहीं, अफगानिस्तान कंपैरेटिवली बेहतर टीम थी, और हम सब ने प्रेडिक्ट किया था कि अफगानिस्तान आज जीत जाएगी मैच, और अनफॉर्चुनेटली मैच ही नहीं हुआ। यू नो, तो यकीनन जो छोटी टीमें होती हैं उनको फायदा होता है, एक पॉइंट उनको मिल जाता है। जो बड़ी टीमें होती हैं जाहिर सी बात है उनको एक पॉइंट लूज हो जाता है। मैच जीत सकते थे वो, उनके अंदर एक कैपेबिलिटी थी कि वो आराम से जीत सकते थे ये मैच, जिस तरह की उनकी बॉलिंग है या बैटिंग कह लें। बैटिंग ने तो ऐसा इतना बड़ा कोई अभी तक स्कोर नहीं है, बट बॉलिंग बहुत ही अच्छी है अफगानिस्तान की। लेकिन आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान आयरलैंड से बड़ी टीम है, मगर ज्यादातर मेजर अपसेट्स जो हैं वो वर्ल्ड कप्स में और इंटरनेशनल क्रिकेट में आयरलैंड ने किए, बहुत बड़ी बड़ी टीम्स को हराया हुआ है। बिल्कुल, वो कंडीशंस ऑफ कोर्स जब आपको फेवरेबल मिल जाती हैं, जिस तरह की 2007 का वर्ल्ड कप मुझे याद है, जिस वक्त वेस्ट इंडीज में ये वर्ल्ड कप हो रहा था, इंजमाम कप्तान थे, ग्रासी पिच के ऊपर आपने एक छोटी टीम को यू नो खिला दिया था आईसीसी में। कहते कि ये स्टैंडर्ड्स ऑफ जो पिचेस हैं उसको थोड़ा सा देखना चाहिए आईसीसी को, बिकॉज के जब आप इतने बड़े टूर्नामेंट्स खेलते हो, मैचेस नहीं हो रहे, और मैचेस हो रहे हैं तो लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। इंटरटेनमेंट फैक्टर है बेसिकली टी20, यू नो, चौके छक्के लगना देखना चाहते हैं लोग, तो यहाँ पे थोड़ा सा पिचेस को स्टैंडर्डाइज करना जरूरी है। तो बैटिंग साइड पे थोड़ी सी होनी चाहिए पिचेस, इतनी मुश्किल पिचेस बना दी, टेस्ट नहीं खेल पाएंगे हमारे लड़के। इमाद, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में से किसका फायदा हुआ आज? दोनों का हुआ, आई थिंक वर्ल्ड कप का फायदा हुआ बेसिकली, बहुत फायदा हुआ वर्ल्ड कप का। अगर दोनों में से कोई भी हार जाता तो वर्ल्ड कप का वो चार्म जो होता है बड़ी टीमों का, दे आर वर्ल्ड क्लास टीम्स, तो बोथ ऑफ देम, आई स्टिल बिलीव कि दोनों के पास चांस है कि क्वालिफाई करें, और एक तरह से अच्छा भी हो, एक तरह से आप कहते हैं कि यार इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच देखने वाला मजे का होता, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन इट इज व्हाट इट इज, गुड फॉर द वर्ल्ड कप। हारून, क्रिकेट से कुछ लगाओ? बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा। कितना ज़्यादा? इतना ज़्यादा कि नहीं नहीं, मतलब एज मुझे लगता है हर पाकिस्तानी का जो एज अ यंगस्टर ड्रीम होती है कि यार हम, यार मैं आपको बताऊँ, ये रेगुलरली एकेडमी में आके खेलता है, इज अ वेरी गुड मीडियम फास्ट बॉलर। सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा ये लड़का, सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा? बड़ा होके हो जाए, बड़ा बड़ा होके, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है इनके पास, मीडियम फास्ट बॉलर। वाह वाह, अभी इनके साथ एक टीम में खेलने वाला हूं। हां जी, मैं गाइस स्टार लीग होने जा रही है, उसमें इज द मेन बॉलर ऑफ, कौन से स्टार लीग? मेगा स्टार लीग, मेरे छोटे मोटे स्टार नहीं चलेंगे उसमें, छोटे, मैं इसीलिए पहले बता दें कि मेगा स्टार है। अरे यार, वहां पे भी इमाद
चांस नहीं बन रहा। ऑन अ लाइटर नोट, अगर ये मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है तब आप शायद चांस ले सकते, नेशनल टीम में चांस बन रहा। आप अपना मौका कभी नहीं छोड़ते, अपना मौका नहीं छोड़ता ये लड़का। अच्छा अरुण, ऐसा है कि अब आप आ ही गए हैं तो आपसे ट्रिविया भी खेलेंगे हम जरूर, ताकि ये टेस्ट हो जाए कि भाई क्रिकेट का आप कहते हैं जुनून की हद तक शौक है, चेक होगा कि भाई कितना जुनून है आपके, जुनून है, स्ट्रिंग्स है, क्या है आपके अंदर। ठीक है, सवाल है जी कि बीबीएल किस मुल्क की लीग है? बिग बैश लीग। हाँ, ऑस्ट्रेलिया। वेरी गुड, बहुत आसान सवाल था, बहुत आसान। Who is the only batsman to record 400 in a single innings in an international match? 400 in run. A single innings? Hai. 400 runs. Runs. Test match ki baat kare to Brian Charles Lara. Kya baat hai, zabardast. Good. Who was the highest wicket taker in 2009 T20 World Cup which Pakistan won? अच्छा ये दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो उमर गुल होंगे। हाँ सही जवाब है, लड़का तो मतलब तेज है भाई, माशाल्लाह बॉलर भी तेज। मिर्ज़ा इकबाल बेग याद आ गए, इतनी इंफॉर्मेशन, वाह वाह वाह। विच ऑफ दीज इज नॉट अ फील्डिंग पोजीशन इन क्रिकेट ग्राउंड? मुइन भाई आपको भी, मैं आपसे भी पूछूंगा, इसमें कुछ हैं ट्रिकी बातें। काउ कॉर्नर, सिली पॉइंट, फ्लाई स्लिप, फोर्थ मैन। फोर्थ मैन नहीं होगा। वेरी गुड। अच्छा काउ कॉर्नर कहाँ होता है? अगर मैं राइट हैंड बैटर हूं तो टावर पे ले लूं, टावर पे मिड विकेट के ऊपर से आप कह लें, डीप मिड विकेट से ऊपर। ये तो मुझे भी नहीं पता था ऑनेस्टली भाई, आपने काउ कॉर्नर पे कभी फील्डर लिया ही नहीं? मैंने देखी नहीं काउ, काउ नहीं देखी। काउ किस लिए उसका नाम रखा है कॉर्नर? काउ कॉर्नर, वेरी गुड। घास खाती थी काउ, इस वजह से उसको काउ कॉर्नर। एक दफा वो कैमरे पे आ गई थी, जब से काउ कॉर्नर, उसको भी सिलेक्ट नहीं किया, कॉर्नर कर दिया गया था, इसका नाम उसका काउ कॉर्नर। काउ कॉर्नर, ठीक है भाई। ये है कि एक सवाल है, हाँ, कि कौन सा दुनिया क्रिकेट में वो कौन सा वाहिद कप्तान है जिसने खुद 90 रन पे होते हुए भी इनिंग्स डिक्लेयर कर दी? आप नहीं है वो? अच्छा आई थिंक सवाल समझ गए। हाँ सवाल, दुनिया क्रिकेट का वो वाहिद कप्तान जिसने खुद 90 रन पे होने के बावजूद टेस्ट इनिंग्स डिक्लेयर कर, इमरान खान। इमरान खान, मैंने कहा एक सवाल ऐसा रख लूं जिस पे आप, इसलिए मैंने खुद इशारा किया आपके अंदर खान बसता है, खान बसता है आप बिल्कुल। कभी उन्होंने कहा तो नहीं अंदर से तुमने आवाज लगाई बॉस? नो नहीं, मगर या सो आई थिंक वो इमरान खान थे। ये तो मुइन भाई ऐसा आप लोगों ने नहीं कहा नहीं भाई नहीं नहीं भाई नहीं कर लें सेंचुरी कर लें? ऐसा होता है ना कि थोड़ा मक्खन लगा लो कप्तान के, इमरान भाई वो करनी चाहिए। मैच में मैं तो था नहीं पहली बात ही है, और दूसरी ऐसी कभी सिचुएशन आई नहीं जहाँ पे इमरान भाई के साथ टेस्ट मैच खेलो, ऐसी सिचुएशन आई टेस्ट नहीं खेला जहाँ पे जरूरत, बट कॉन्ट्रोवर्सीज बनती रही हैं। जावेद भाई एक दफा 280 पे खेल रहे थे, डिक्लेयर कर दिया था जस्ट फॉर द टीम। मैंने जावेद भाई से पूछा था, उन्होंने कहा नहीं सही किया था डिक्लेयर। मैंने जावेद भाई से सवाल खुद पूछा, मैं वही बोला वो टीम की जीत के लिए किया गया था ताकि टाइम वेस्ट हो जाता था। इसी तरह का इंसिडेंट आपको याद होगा जब राहुल द्रविड़ ने 195 पे सचिन तेंदुलकर को डिक्लेयर कर दिया था मुल्तान टेस्ट में, बिल्कुल बुला लिया था, बुला लिया था। तो वो भी वो कॉन्ट्रोवर्शियल कह लें आप उसको, लेकिन टीम के लिए यू नो आपको कभी कभी करना पड़ता है इस तरह के बोल्ड डिसीजंस। अच्छा ऐसा होता है इमाद, आप पे आऊंगा कि ऐसा होता है ना कि जब हम जैसे ऑफिस कॉर्पोरेट सेक्टर में मैं काम करता था तो हम जा रहे हैं ऑफिस और पता चला भाई हड़ताल वड़ताल हो गई है, आज ऑफिस नहीं है, वापस जा रहे हैं, खुश होते थे, हाँ मजा आ गया। क्या क्रिकेटर्स को भी ये फीलिंग आती है कि मैच खेलने जा रहे हैं किट शिट लेकर पंप हुए हुए और वहाँ जाके बारिश हो गई वापस आ गए, तो आप लोग ऑनेस्टली बताना है रिलैक्स फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं अंदर से, या कहते हैं यार ज्यादातर पहले फिर मैं बताऊंगा? नहीं, आई डोंट थिंक सो, ऐसा कुछ होता है। हम लोग तो जाते हैं मैच खेलने, वो बटरफ्लाइज जो होती हैं, वो नर्व्स होते हैं, वो आप खेलते इसलिए हो, आप ख्वाहिश यही होती है किसी तरह एक ओवर एक बॉल गिर जाए, मैच काउंट हो जाए, फीस पूरी मिल जाए। अच्छा मुझे अगर अबैंडन हो जाए फीस नहीं मिलती? नहीं मिलती। अब टॉस पे, अगर टॉस हो जाए तो फीस मिल जाती है। टॉस तो अंदर ही कर लें अब ये लोग। नहीं लेकिन वो जो बटरफ्लाई और नर्व्स है ना, और कंट्री से खेलने का जो मजा है, हाँ। वो उसकी फीलिंग डिफरेंट होती है। तो हम चाहते हैं कि मैच हो, इवन 5 ओवर हो, 10 ओवर हो, डजंट बॉदर, बस मैच हो जाए, मैच होना चाहिए, पैसे खड़े हो जाए, पैसे वो तो एक अलग चीज है। हाँ। मैं कुछ कहना चाह रहे थे, मैं कह रहा था सियासी बयान दे रहा है, लग रहा है भाई, लग रहा है माहौल सियासी इतना गर्म है, बहुत गर्म है सियासी माहौल तो। अच्छा तो आप कह रहे हैं फ्रस्ट्रेट होते हैं। अरुण आपको कभी ऐसा होता शूट कैंसिल हो जाए? हाँ खुशी होती है अंदर से यार, ये आज हुआ था कि कल शूट नहीं हो रही, क्या खुशी हुई, लेकिन क्योंकि दोनों जियो के प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ तो दूसरी जगह से कॉल आ गया, आप आज हैं सुबह, हमें पता लग गया आपकी। भाई जियो वाले सुन लें, देखो दूसरी जगह जा रहा है लड़का, ये काबू रखे इस लड़के पे, दूसरी जगह ना जाने पाए लड़का। अच्छा मुइन भाई, कल का मैच तो मतलब भूलने वाला मैच था, बहुत भूलने वाला मैच, मगर अब आपकी जिंदगी में आपने कई 100 मैच खेले हैं, तो कौन सा कोई सबसे यादगार मैच 92 के वर्ल्ड कप के अलावा, कौन सा एक एशिया कप का फाइनल भी छोड़ दें?
वो भी छोड़ दे, हाँ वो कप्तानी में आपके जीता सबको पता है, मतलब होता है ऑफ फील्ड बहुत मेरी जिंदगी के बहुत ऐसे छोटे लाइक मैचेस तो बड़े हैं बट मेरी छोटी छोटी इनिंग्स जहाँ पे बड़ी पाकिस्तान के काम आई है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बिल्कुल ऐसी हुआ है जो 99 का वर्ल्ड कप का मैच था जिससे बहुत ज्यादा मुझे फेम मिला मेरे करियर में, यू नो उससे पहले मैग्रा की कभी पिटाई नहीं हुई, कभी पिटाई नहीं, यू नो घर पे भी पिटा नहीं किसी ने, तो वो 9 या 11 बॉलों में 31 रन बनाए थे, तो वो एक बहुत यादगार मैच, वो मेरी फेवरेट इनिंग्स है मुझे भाई। अच्छा ये बताएं कि अब मैग्रा है, उसका एक स्ट्रेचर है, इंग्लैंड में खेल रहे हैं, वहां पे भी बॉल सीम एंड स्विंग दोनों होती है, कल का जो मतलब रिजवान भी कप्तान नंबर वन भी है, यू वर नेवर नंबर वन टेस्ट बैट्समैन और वनडे बैट्समैन और T20, मगर तब भी इतना कॉन्फिडेंस था कि मैग्रा को भी आपने स्वीप पे छक्के मार दिए, तो क्या चीज़ डिफरेंट कर रहे थे आप दिमाग के अंदर, क्योंकि स्किल्स विस्किल्स तो कंपेरेबल हैं मगर दिमागी का वो नज़र आया ना स्ट्रेंथ का मसला, गलत देखिए आपको कम्पीट करना होता है जो भी आप, सबसे पहले तो आपके अंदर करेज होनी चाहिए कि आपके आगे अगर बेस्ट बॉलर दुनिया का कोई है कि यार उससे मैं बेस्ट बन के दिखाऊँ ना, सबसे पहले तो उसको बेस्ट बन के दिखाने के लिए आपको सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी होता है जब वो बॉल करने आ रहा है आई ऑन द बॉल, यस यू नो आई ऑन द बॉल, अगर आपकी नज़र हट गई उस बॉल से उस लाइन से उस लेंथ से तो आप शॉट कैसे खेल सकते हैं, एग्जैक्टली जब तक आपकी बॉल पे नज़र होती है तो दैट्स हाउ यू मिडल द बॉल विद द बैट, यू नो तो उस दिन बहुत ज़्यादा अच्छी फॉर्म थी, नज़र आ रहा था बहुत अच्छा क्लियर, वेदर जो कंडीशन थी बड़ी क्लियर थी, यू नो और जो फोकस था मेरा वो बॉल के ऊपर ही था, आपने भी बड़ी इनिंग्स खेली है प्रेशर मैचेस में, आपने चौके छक्के दो, सबसे अफगानिस्तान जिस तरह मैच जिताया तो आउटस्टैंडिंग जिस तरह ये लेके गया था बहुत मजबूती से लेकर गए, इमाद ये मेंटल स्ट्रेंथ ऐसा है कि आप भी टीम का ही हिस्सा थे, आप भी उसी सर्किट से खेलते हुए उन्हीं मराहल से गुजरते हुए क्रिकेट टीम, तो आज अब मैं ऑनेस्टली जब हम बैटिंग देख रहे हैं तो ऐसा नज़र आ रहा है कि डरे हुए हैं, मतलब क्लियर है ना आउट इन दी ओपन है कि डरी भी लग रही है बैटिंग लाइनअप, तो क्या मशवरा देंगे किस तरह अपना मेंटल स्ट्रेंथ को मजीद स्ट्रॉन्ग करें, कैसे करें, क्या करें, फोकस कैसे? देखिए पहली बात तो है कि जब आप इस लेवल पर आते हैं और आप अच्छी तरह तगड़ी क्रिकेट डोमेस्टिक से खेल के आते हैं, आपने रिपीटेडली वो काम किए होते हैं डोमेस्टिक में, फिर आप इंटरनेशनल में खेलते हैं, फिर आपको वो प्रोसेस याद होता है, इसीलिए हमेशा कहते हैं कि थ्रू प्रॉपर सिस्टम जो प्रॉपर प्रोसेस जो आता है वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अच्छा करने की सलाहियत ज़्यादा रखता है। और दूसरा देखें प्रोफेशनल क्रिकेटर के लिए एक्सक्यूज़ नहीं होनी चाहिए किसी भी उसमें, अगर आपने मैच हरवाया जितवाया आप ओन करना चाहिए, तो मैं यही समझता हूँ कि प्रॉपर थ्रू चैनल आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करेंगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है किसी भी प्लेयर के लिए, मोइन भाई खेलें बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलें वो भी प्रॉपर थ्रू चैनल आए या जो भी बड़े प्लेयर्स आए, आई स्टिल बिलीव कि फास्ट बॉलर है वो आ सकता है जल्दी, लेकिन स्पिनर और बैट्समैन जितना मैच्योर होगा जो 28, 29, 30 होगा उसके बाद जो उसकी पीक टाइम होता है वो तब होता जो ऑस्ट्रेलिया यूजुअली करती है। हारून कल के मैच पर कोई आपसे दो लाइनें पूछी जाएँ तो क्या होंगी अगर वो टीवी पर दिखाई जा सके? हाँ वो टीवी पे दिखाई नहीं जाता यार मैं ऑनेस्टली अगर आप ओवरऑल आप T20 का देखें, मैं ये जो 12 टीमें जो अभी भी खेल रही हैं या इससे पहले जो पहला राउंड था T20 में, आई फील एनीबडी कैन बीट एनीवन ऑन द डे और आप दोनों मैचेस देख लें, पाकिस्तान आखिरी बॉल पे हारा है, पहला मैच तो बनता था, दूसरा मैच बनता नहीं था आखिरी बॉल तक, हाँ बिल्कुल यार 39 बॉल्स पे 43 चाहिए तो मैं तो टीवी बंद कर दूँ उसके ऊपर कि यार खत्म हो गया 7 विकेट्स इन हैंड, आई डोंट नो मतलब दिल दुखता तो है मगर क्या कर, उसके अलावा आप ऑप्शन चाह रही क्या है और कहां से लाएं दूसरी, तो कैलकुलेशन शुरू हो गई अभी और करना क्या है आगे पहुंचने दूसरी और क्या चीज लाएं जिससे इतना दिल लगा सकें, और बचा ही क्या है मुइन भाई, सियासी सूरत हाल भी गर्म है, मेरे साथ मौजूद है आपके कायद के सेकंड इन कमांड शाह महमूद कुरैशी साहब, शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कुछ ना कुछ चाय पानी चलता रहता है, वाह वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन द शो, और बड़ी मुझे खुशी हुई अपने सामने मोइन को देख के, क्यों क्यों थैंक यू, क्यों खुशी नहीं होनी चाहिए, मैं तो इमाद भी है हारून भी है, समझदार क्रिकेटर थे, हां मैं हमें हारून रूम तो अपना बच्चा है, अच्छा। वो तो हमें रिप्रेजेंट करता है मीडिया के ऊपर, लेकिन मोइन की मुझे अच्छी बात ये लगती है कि एक समझदार क्रिकेटर था, ठीक है, यानी अच्छा मुश्ताक अहमद देखें
ये नाम से ही कम से कम कोई किसी गनमैन का नाम लगता है। शाह साहब आप बड़े जबरदस्त शख्सियत लग रहे हैं। कहा मेरे पास ये जमामुल हक को देखें, इन्होंने उसको इंजी कह के सारा रोब खत्म कर दिया। बहुत आला। लेकिन लेकिन जो कप्तान था उसको फिर भी वसीम भाई मैडम वसीम भाई। मैं शाह साहब मैं कुछ पूछना चाहते हैं। मैं बहुत मुतासिर हूँ आपसे। इस तरह की साउथ पंजाब में जो सियासत माशाल्लाह की है, मुझे ये बताएं ये जो सीट आपकी साहबजादी जिस सीट पे खड़ी हुई थी वो हार गई, ये आपकी फैमिली सीट थी या ये किस तरह मेरिट पे थी सीट? खान साहब के होते हुए समझ नहीं आया ये सीट कैसे आपकी बेटी को मिल गई। देखिए मुझे जरा खोल के जवाब दीजिएगा शाह साहब ने इतर वाली रुइया भी लगाई हुई है। नहीं खुल के जवाब मतलब क्या? बाजू वो पड़े हैं, टांगे वो पड़ी हैं, सर वो पड़ा है, जूते वहां पड़े हैं। खुल के जवाब शाह साहब कहने का मकसद है टू द पॉइंट रहिएगा प्लीज। मैं टू द पॉइंट ही रहता हूं। मोइन जी आपने मुझसे एक सवाल पूछा तो मेरा भी ये हक है। क्या है हक? है कि मोइन खान से एक सवाल पूछूं। मेरा सवाल ये है, ताबिश आप चाहें तो जवाब दे सकते हैं, कराची में लोड शेडिंग का मसला क्यों है? ये कराची की बिजली कहां जाती है? आज मैं बताना चाहता हूं 50% कराची की बिजली मोइन खान का ग्राउंड चूस जाता है। कौन चूस जाता है? ग्राउंड चूस जाता है का ग्राउंड। ठीक है, वहां से बड़े बड़े प्लेयर पैदा हुए, मगर डेंगू भी तो पैदा हो सकता है, और अगर डेंगू पैदा हो तो बड़ा बुखार भी पैदा हो सकता है। अच्छा, तरह तरह के सवाल भी पैदा हो सकते हैं। अच्छा शाह साहब, पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतने मसरूफ स्केड्यूल में आपने टाइम निकाला। मार्च भी चल रहा है, बहुत आपने निकाला। नहीं, कैसे निकाल लिया? शुक्रिया मेरा अदा करने की जरूरत नहीं, छोड़े शुक्रिया तो मेरे कायद इमरान खान का आप अदा करें। अच्छा? जिसने कौम को शऊर दिया, जिसने कौम को बताया कि हकीकी आजादी क्या है। मुझे बताएं कि खान आज लॉन्ग मार्च क्यों कर रहा है? खान को क्या मिलेगा? वो तो सिर्फ घड़ी के ही केस में 5-10 साल के लिए अंदर हो जाएंगे, खुदा ना खास्ता। अरे वो आपको शऊर देखें। नहीं नहीं, अरे की बात नहीं, ये याद रखें, ये जो पीएम हाउस है ये कोई फूलों की सेज नहीं है। हाँ। ये कांटों का हार है। अगर खुदा ना खास्ता मेरे कप्तान ने अगर कुर्बानी दी और सर्दियां ठंडे फर्श पे बैठ के गुजारी तो मैं उनसे बढ़कर कुर्बानी दूंगा। ये कड़वा घोंट प्राइम मिनिस्टर बनने का मैं पीने के लिए एक बार नहीं देगा। मैं कौम की खातिर ये कुर्बानी दूंगा। अच्छा मेरी बात सुनिए चाचा, बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ आपको FIA ने बुला लिया है, साइफर इंक्वायरी के लिए पेश होंगे? दायरे देखें, हमारी ट्रेनिंग किसने की है? उसी ने जिसने मोइन खान की ट्रेनिंग की है। तो हमें तो हमारे कायद ने 26 साल सच बोलने के लिए जिद्दोजहद की। अरे आप तो अभी ज्वाइन किया ना, आप 26 साल से गए हैं। चलो 6 साल से सही, 6 साल से मैं हूँ, और अगर रातें भी मिला लो तो 12 साल तो ये हो गए। सरकारी छुट्टियां भी मिला लो और अगर आप हड़तालें, मैं नेशनल टीवी पे रातें नहीं मिलाऊंगा। 26 मैं दिन रखूंगा बस। आप क्यों नहीं? मैं रातें नहीं मिलाऊंगा, मैं ये गुनाह नहीं करूंगा। आप मेरे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, मसले का हल निकालो। उंगली पीछे रखिए, स्क्रीन से बाहर आ रही है ये। बिलावजा दांत मत निकालो। हाँ, अच्छा बात सुने जी? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पाकिस्तानी आप कुछ बताना चाह रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं आप? तो मैं बताना ये चाह रहा था कि अगर FIA छोड़ के मुझे जो भी बुलाएगा मैं सच बोलूंगा, और खान साहब ने तो मुझसे इससे रिलेटेड कोई बात ही नहीं की। FIA से डर लगता है आपको? अच्छा नहीं मोइन, डरना मुझे आता ही नहीं। अगर देखे ना कोई कॉम्प्लिकेटेड सवाल FIA वाले मुझसे पूछेंगे जो मैं जवाब नहीं देना चाहूंगा, तो बड़ा आसान है उसका जवाब देना, उनको ये कहूंगा। अच्छा शाह साहब, फाइनल सवाल है, मैं ब्रेक की तरफ बढ़ना है, आपसे आखिरी सवाल पूछना चाह रहा हूँ। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जीत नहीं रही है यार। ताबिश मुझे ये बताओ, जो बार बार तुम ब्रेक लेते हो तो क्या तुम जस्ट प्रोग्राम से पहले चाय पी लेते हो जो तुम्हें ब्रेक लेनी पड़ती है? और यार देखे, बाथरूम जोक्स ना करें प्लीज, बाथरूम जोक्स ना करें, मेरी बात सुने। क्रिकेट टीम के लिए तुमने किया? अच्छा हाँ, मैंने किया। हाय, पाकिस्तान जीत नहीं रही है, कोई वजीफा हो जाता अगर तो।
देखिए मैं इसमें यही कहूंगा कि मैथ्यू हेडन और बाबर आजम इन दोनों को चाहिए कि सुबह सुबह निहार पेट नीम गरम दूध का एक बड़ा ग्लास, उसके अंदर छोटी मक्खी का शहद, याद रहे मक्खी छोटी छोटी अगर बड़ी हुई कैरेक्टर में छोटी रखती है साइज में, छोटी मक्खी का शहद और उसके अंदर चारों मगज और बादाम ये फेंट के अच्छी तरह मुझे भेज दें, मैं पी के उनके लिए दवा कर दूंगा। कौम को ये याद रखना चाहिए कोई भी दूसरे को चोर 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 कह के लीडर नहीं बन सकता। फिर खान साहब पे हमला, भाई आप अपने केसेस का सामना करें, ठीक है अपने केसेस का सामना करें जो आपके ऊपर केसेस बने हैं। चोर 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 कहने से कोई लीडर नहीं बनता। तुम्हारा मुंह क्यों खुल गया, मैं नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कल ट्वीट किया है। काफी नाजरात, कल ट्वीट किया उन्होंने इससे पहले कि शाह साहब अपनी पार्टी से निकाल दिए जाएं। ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आइए, जश्न क्रिकेट कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट प्रेजेंट बाय कोक जुबली इंश्योरेंस एमिरेट्स एंड वुल्फ 777 न्यूज। मेरे पास मौजूद हैं हारून रशीद, मुइन भाई और इमाद वसीम। हारून, चाय वाय पी लिया आपने, तैयार हैं आप, गर्म हो चुके हैं खेलने के लिए, 500 की दौड़ से वाकिफ हैं? तकरीबन 500 की दौड़ ऐसा है कि आप जाएंगे सेट से बाहर और ये जो बिल्डिंग है ये 500 मीटर के सर्कल में है, आप 3 चक्कर लगा के आएंगे। अभी ज्यादा चक्कर लगाएगा वो हमारा बिना तैयार हो जाता हूँ। आप तो कहते जैकेट उतारूंगा नहीं, आप फौरन तैयार हो गए इस गेम के लिए, तो करना पड़ता है। 500 की दौड़ आपने जैसा कहा पहले से वाकिफ हैं, परसेंटेजेस देनी है और सवाल पूछेंगे आपसे, पूछेंगे कितने फीसद लोग ये समझते हैं वो समझते हैं, तो आप बताइए भाई क्या सर्वे हुए हैं, मुस्तनद सर्वे हैं, ये दोनों गवाह हैं कि सर्वे मुस्तनद। गैलप पोल्स वाकई मजाक नहीं, अच्छा वाकई में ओके, सवाल सुनते ही समझ जाएंगे हाँ ये गैलप यस नो में जवाब, ये परसेंटेज, ये परसेंटेज वाला है, इसके बाद आएगा वो यस नो। ठीक है तैयार हैं? ठीक है। पहला सवाल, ये दोनों भी आपस में कम्पीट कर रहे हैं और टक्कर का मुकाबला चल रहा है, ऐसे 50-60 नंबर का फर्क रह गया। कितने फीसद मर्द ये समझते हैं कि खवातीन शायरी से इंप्रेस होती हैं? कितने फीसद मर्द समझते हैं? मर्द ये समझते हैं कि मैं शायरी करूंगा तो खवातीन इंप्रेस होंगे। मुइन भाई पहले आप बताएं, मैं मुइन भाई से ले लेते हैं ताकि फिर एक रिदम सा बन जाए। मुइन भाई को बहुत पता है इन बारों में, इस बारे में इतना तो नहीं मुझे पता, मैं बचपन में शादी हो गई थी मेरी बचपन। अच्छा हाँ सॉरी, क्या सवाल है? कितने फीसद खवातीन 35% 35% मर्द जो है वो खवातीन ये समझते हैं कि खवातीन शायरी से इंप्रेस होती हैं। कोई शेर आता है आपको? कोई शेर आता है आपको? शेर आने वाला है, शेर नहीं आने वाला शेर, अच्छा खान के खिलाड़ी बोल रहे हैं कि शेर आने वाला है, ये देखो आप। हारून जी क्या लगता है आपको? हारून से पूछ लेते हैं। आई थिंक 40% मर्द जो है वो समझते हैं। इमाद सेफ प्लेयर, हाँ जी 50% देखा था वो, छोड़ दे महले वकू, छोड़ दे शेर का। हुस्न को चांद जवानी को कवल कहते, हम आपको देख कर एक शो गजल कहते हैं, उफ ये संगे मरमर से तराशा हुआ शफाफ बदन, देखने वाले आपको ताजमहल कहते हैं। वाह, देखने वाले आपको ताजमहल कहते हैं। खवातीन हज़रात ये देखें आवाम क्या कहते हैं। आवाम मुझे लगता है कि हाई परसेंटेज 54%। इमाद वेल डन, इमाद आला भाई, इमाद आप तो बराबर हो गया स्कोर। मुइन भाई नहीं अभी अभी नहीं हुआ, हो गया बराबर। हारून आप भी ज्यादा दूर नहीं थे, मैं 40% थे, 96 स्कोर हुआ आपका और इसी तरह सबके स्कोर हुए। वाह, अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कितने फीसद लोग मोबाइल छीनने पर थाने जाने से कतराते हैं? कराची का बड़ा वैलिड मसला है। हाँ। इमाद से शुरू करेंगे। मैं कराची वाले सवाल पे मुइन, मैं आपसे ही करूंगा बस। मोबाइल छीनने पर थाने जाने से कतराते, छीना है मोबाइल, छीना है कभी? नहीं कभी नहीं हुआ। कभी छीना है? नहीं। ये एक इस पे एक कैलकुलेटेड जवाब हो सकता है। हाँ, बहुत इजी है वैसे तो। अमात 20% आपको लगता है, बाकी सब थाने जा रहे हैं, वहां बिल्कुल कराची का नहीं पता। थाने जाने से कतराते हैं 20% कतराते हैं, 80% चले जाते हैं थाने। नहीं जाते, आई थिंक 75% लोग कतराते हैं। 75 पे इमाद को लॉक कीजिए,
बल्कि लॉकअप में कर दीजिए इनको बंद। मुइन भाई कितने लोग कतराते हैं, आपका छीना कभी मोबाइल? काफी दफा। अच्छा माशाल्लाह, वाह वाह वाह, फिर तो आप पक्के कराची। मैं कराची वाला। कराची। मुइन भाई कितने? ये मुझे ऐसा लगता है 80% लोग कतराते हैं। 80% लोग कतराने में डाल दीजिए। तो पुलिस स्टेशन है क्यों, है क्यों? लोग कतराते हैं। ठीक है हारून जी सर, छिने मगर मजे की बात, मजे की बात नहीं, खैर अनफॉर्चुनेटली कराची में नहीं लाहौर में छिने। अरे यार ये तो फिर आपके ऊपर बात आती है। बिल्कुल सर, मेरा मसला मेरे साथ ही है। आपके साथ है मसला, ये कोई गलत बात है यार। जगह पूछें जगह। अब आप कहाँ छिने? फिरोजपुर रोड। अरे वो तो चलती फिरती रोड है यार। सर तो वही तो होता है सारा काम। भाई आप एक काम करो, आप हिसाब बराबर करो, आप यहाँ मोबाइल छीनो। मैं गुजारिश करूंगा ये कराची का पता मिलेगा, परसेंटेज बताएं यार आप। सर मैं भी 80 के साथ ही जाऊंगा। 80% 80 के साथ जाएंगे, 80 पे इनको भी लॉक कर दीजिए। जो यहाँ आ रहा है मुइन भाई के साथ चला जाता है, इमाद और मैं अकेले जा रहे हैं हमेशा। 80 पे लॉक कीजिए। अब आवाम देखते हैं, आवाम क्या कहती है, कितने परसेंट लोग घबराते हैं, कतराते हैं पुलिस स्टेशन जाने पे। प्रोसेस भी तो बहुत लंबा है, अक्सर पुलिस आपको पकड़ लेती है, कुछ छिनवाया होगा तुमने, उसमें कुछ ऐसा मटेरियल होगा। पुलिस के शको शुबात बहुत बड़ा प्रोसेस है मुइन भाई, बहुत लंबा प्रोसेस। बिल्कुल है, बट काफी बेहतर हो गया। 67% ऑफ द पीपल थिंक मुइन भाई इमाद फिर करीब है, फिर करीब है। नहीं लेकिन 5 पॉइंट का बहुत बदतमीजी हो रही है इमाद, ये मैं बता रहा हूँ, बड़े हैं वो। ओके एक आदम तो ये भी अच्छा खेलेगा ना यार, क्या अच्छा होगा? अच्छा क्रिकेट की बात तो नहीं कर रहे ना, फॉर्म अच्छी है आज इसकी। आज पहली दफे खेल रहा होता तो ऑस्ट्रेलिया का ड्रेस के अंदर आया ना। अच्छा हर बात में अपना दर्द जरूर होता है, खेल रहा होता तो ऑस्ट्रेलिया भी नहीं होता मैं। चलें कितने फीसद लोग समझते हैं बिरयानी में आलू नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा सवाल है। ओहो कौमें बटी हुई है इस पे। हां बटी हुई है। सर्वे बता दें कराची का या ओवरऑल पाकिस्तान का? ये पूरे पाकिस्तान का, पूरे पाकिस्तान का। बिरयानी में आलू किससे पूछे, मुझसे पूछ रहे? पहले मैं इमाद से पूछूंगा। इमाद बिरयानी में आलू, इस पे तो आप कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होगा ना। मुझे बिरयानी में आलू नहीं पसंद। मुझे पसंद है। बिरयानी में आलू पसंद है आपको? 45-40% करता हूं। 40% लोगों को बिरयानी में आलू नहीं पसंद। मुइन भाई 50% पसंद है लोगों को, आलू पसंद है। 50% पे मुइन भाई को लॉक करें और 40% पे इमाद को लॉक करें। और हारून की, हारून आपको पसंद है पर्सनली? पर्सनली पसंद है, मगर मुझे लगता है मैं जाऊंगा 45% पे दोनों के। 45% पे हारून को लॉक करें। मुझे बिरयानी में आलू और बिरयानी खाते टाइम खालू दोनों पसंद नहीं है। अच्छा आंसर जो है ना हम ब्रेक के बाद लेंगे। ओके ब्रेक के बाद लेंगे। बिरयानी का नाम सुनकर प्रोड्यूसर साहब के मुंह में पानी आ चुका है। तो इससे पहले कि प्रोड्यूसर साहब बिरयानी के शहर से, बिरयानी का शहर तारी है उनके ऊपर, बहुत ही मजा। ब्रेक के बाद वापस आएंगे जश्न क्रिकेट के लिए। वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। फंसा हुआ है आलू, आलू आलू फंसा हुआ है बिरयानी का आलू। आवाम का हमने वो लेना है, वर्डिक्ट क्या है दिखाइए भाई, मीटर चलाइए दिखाइए आवाम कितना आलू पसंद करती है। जब आप नौकरी कर रहे हो ना कॉर्पोरेट सेक्टर में, बड़ा वो काम। 33% वाह वाह, 33% लोग आलू नहीं होना चाहिए कहते हैं। नहीं होना, नहीं होना चाहिए, नहीं 77% लोग कहते हैं आलू होना चाहिए। हारून जीता है, 45 पे था हारून। हारून ने नहीं, ये सब इमाद, इमाद आउट हुआ है अगेन, आज फॉर्म में है भाई लड़का। इमाद की दुआ जो है ना, चल देख रहे हो आप दुआएं कर, पाकिस्तान टीम की थी आपने कल की थी ना, बाकी इतने अरसे से तो आपकी कर रहे हैं। मुइन भाई सवाल बात हो रही थी ऑफ कैमरा मोबाइल चोरी के ऊपर, हारून पहले आपसे कहानी लेंगे। लाहौर में माशाल्लाह बहुत कम चोरी होती है, आपने वहां पर भी कराची का नाम रोशन किया। कैसे, खुद तो नहीं दे दिया कि यार कराची याद आ रहे हैं मोबाइल? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। जो खैर वो जो मामला हुआ है कि उसने कहा दे दो चीजें, मैंने एप्लीकेशन दी उसने पहले, उसने कहा गाड़ी की चाबी दो, मैंने कहा गाड़ी की चाबी जहेज बना रहा था क्या? मगर वो मुझे समझ नहीं है कि गाड़ी तो इधर ही है, चाबी क्यों लेके गया। तो खैर उसने दूर से थोड़ा सा, आई थिंक कोई 200 मीटर दूर जाके दिखा दी उसने कहा ये उठा ले। की ड्रॉप मोमेंट था उसका, मेरे पीछे बता जाती है। क्यों मुइन भाई, बैलेंस होना चाहिए ना कराची में भी। हाँ ये बहुत ज्यादती है, मैं गुजारिश करूंगा अरबाब इख्तियार से जो इस काम में मुलव्वस है। हारून को देखिए, खूबसूरत है, प्यारे हैं, मोबाइल भी है इनके, ठीक है? नहीं भाई मजाक कर रहे हैं यार, इनकी गाड़ी अच्छी है दादा। मुइन भाई मोबाइल चोरी, आपने बताया 6 बार आपके माशाल्लाह मोबाइल चोरी हो चुकी है। मोबाइल तो नहीं, ऐसे इंसिडेंट काफी हुए। अच्छा 5-6 दफा हो चुके हैं। एक दफा तो गाड़ी में मैं बैठा हुआ था, ठीक है, तो पिस्टल लेके आ गए जी आप उधर हो और गाड़ी ड्राइव करने शुरू हो गए। अरे वाह, गाड़ी चलाने का दिल कर रहा था उनका, गाड़ी चलाने का दिल। वो मेरा ख्याल है कि जो मुझे लगा उनकी बातों से ऐसा लगा पीछे से कहीं वारदात करके आ रहे हैं और जगह इन्होंने चेंज करनी है, ठीक है, और फिर
30 मिनट्स हम ड्राइव करते रहे। मैंने आपको पहचाने वो? मैंने थोड़ी सी पहचान करवाई उनको, थोड़ी सी भरमबाजी तो आपको पता है। हाँ, हाँ। बहुत, लेकिन प्यार से, धीमे अंदाज से। इधर लगी हुई किडनी का सवाल तो। लेकिन एक बात बड़ी जबरदस्त अच्छी हुई। हाँ। जब वो मुझे छोड़ा, मुझे उतारा, वो गाड़ी मेरी ले गए, तो जाते हुए क्या क्या कहते हैं, इनमें 10 मिनट में गाड़ी मिल जाएगी। वाह। और पूरे 10 मिनट में गाड़ी मिली, माशाल्लाह। जो कमिटमेंट थी ना, ये बहुत अच्छा कमिटमेंट और इंटेंट। इंटेंट वो कमिटमेंट और इंटेंट अगर किसी से सीखनी है तो कराची के मोबाइल चोरों से आप सीखेंगे कि कमिटमेंट क्या होती है और इंटेंट और वादा रखना क्या होता है। ये बड़ी बात है। अच्छा, मुझ में ऐसा हुआ कि ये पुलिस के जो वाकयात होते हैं ना, इस तरह से वो आप दूसरा भी किस्सा नहीं, तो वो किस्सा बड़ा मजेदार। 96 में जब हम क्वार्टर फाइनल हारे, हाँ, तो इत्तेफाक की बात, इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट, मैं उस वक्त टीम में नहीं था। हाँ। मौजूद नहीं था। बट उस दिन रात को, भाई 2 दिन की बात की बात है कि भाई गाड़ी में कहीं गए तो हॉर्न बजाया, तो मैं गया गेट के ऊपर, गेट खोला तो गाड़ी वो अंदर लेके आ गए। 2 लड़के बाइक पे आए, मैं समझे शायद पता पूछते हैं। और 96 में तो होता भी नहीं था। तो होता था। मैं उनके करीब गया, मैंने कहा जी, उन्होंने ऐसी पिस्टल निकाली, कहता चलो अंदर। अब मैं एकदम परेशान हूँ, मैंने कहा क्या करूँ, मैंने अपना इंट्रोडक्शन कराया, मैंने कहा यार मैं मोइन खान हूँ पाकिस्तान। कहते अच्छा, बड़ी इज्जत कराई इंडिया के खिलाफ तुमने, चलो लेकिन उन्होंने भी बहुत तमीज से, उन्होंने कहा यहाँ बैठ जाइए प्लीज, प्लीज बैठ जाइए, बैठ के बैठ कार्रवाई करके हम चले जाएंगे। फिर ब्रेक का वक्त है, आजाद इससे पहले कि यहाँ आ जाए और मुइन भाई को फिर कहें चलो अंदर, आप एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आइए, जश्न क्रिकेट कहीं नहीं जाएगा। खातिन आजाद, वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। मेरे साथ मौजूद मुइन खान, हारून और इमाद। 4th सवाल पे पहुंचेंगे, वक्त हमारे पास बहुत कम है। इमाद, बातों में पता ही नहीं चला, इतने मोबाइल चोरी हो गए। कितने फीसद अंकल, बड़ा सवाल है, मैं आपकी तरफ नहीं देखूंगा, कितने फीसद अंकल सोशल मीडिया पर अपनी जवानी की तस्वीर डीपी लगाते हैं? इमाद, कितने फीसद अंकल? 70 से ऊपर ही है भाई, 75 अंकल 70 से ऊपर है या परसेंटेज? परसेंटेज 75 पे इमाद को रोकिएगा भाई, बुढ़ापे की कौन लगाता हो। अच्छा, कुछ अंकल्स की तस्वीरें शॉर्टलिस्ट भी किए, दिखाई दे अंकल, मुइन अंकल है। अरे कौन है ये फिर? ये इंस्टाग्राम की होगी मेरी। अरे हाँ, वही तो कह रहा हूँ मुइन भाई, ये कौन से टेस्ट की है, कब की है ये? 96 इंग्लैंड। ये उस वक्त मोबाइल चोरी से पहले की बात की? बात की। अच्छा भाई, मुइन भाई स्कोर बताइए, कितने फीसद अंकल? 60% अंकल जो है वो डीपी पर जवानी की तस्वीरें लगाते हैं। हारून, आपका अंकलों से वास्ता है? अंकलों से बिल्कुल है, खुद तो भी तकरीबन नहीं, 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 हम सब से इमाद से और मतलब भी छोटे हैं आप। एज भी गूगल कर लें ताकि इनकी ह्यूमिलिटी को चैलेंज किया जाए। 65% अरे 65 पे रोको, रोको। अच्छा रुक गया है वो। हाँ, वो हाँ। 47% अंकल जो है वो डीपी पे अपनी जवानी की तस्वीर लगा रहे हैं। पॉइंट्स कट गए। इस पे याद आया अगला सवाल। कितने फीसद लोग घर में धोती पहनना पसंद करते हैं? अब आप ये ना पूछिए कहाँ हुआ सर्वे, किस वक्त हुआ सर्वे, क्यों हुआ सर्वे, पर सर्वे हो चुका है, जवाब दे। कितने फीसद लोग घर पे धोती पहनना पसंद करते हैं? 20% लोग घर पे धोती पहनना पसंद करते हैं। इमारत, 30% लोग घर पे धोती पहनना पसंद करते हैं। हार 25% लोग घर पे धोती पहनना पसंद। मुझे मैंने कभी धोती पहनी? पहनने पे क्यों जोर है इतना, पहनना पसंद। धोती का क्या यूटिलिटी क्लॉथ है? रात में आप हैं धोती पहनी, ओढ़ के सो गए, लंबी इतनी होती है? ओ, बहुत, बहुत। फुल कवर हो जाते हैं ओढ़ने के बाद। फुल कवर हो जाता है एकदम। डिपेंड भी करता है ना, आप धोती से आगे पांव नहीं फैलाओ कहते हैं ना ये। हाँ, जितनी धोती उतना पैर फैलाओ। तो आप बताएं, जब तक ये 11% लोग सिर्फ अपनी धोती पहनना पसंद करते हैं। 11% लोग, मैंने 20 बोला था, आपने 20 बोला। मुझे आप फिर फॉर्म में आ रहे हो, मुझे फॉर्म में आ रहे हो आप बिल्कुल। आपने 11 बोला और आप बहुत करीब थे। 11% लोग, मुझे धोती पहनते नहीं, कभी शौक नहीं रहा आपको? बिल्कुल भी हारू नहीं सर। ऐसे क्यों कह रहे हैं यार? अच्छा, मुझे तो बहुत मजा आता है धोती पहनने में। धोती नहीं पहन रहे यार ये लोग। खवातीन हजरात, ऐसा है कि वक्त आ चुका है मुझमें प्रेडिक्शंस। ओके, कल का मैच है, हारून आपने भी, सबसे हारून से स्टार्ट करेंगे आज। क्या हारून, कल जो मैच है श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड सिडनी में हो रहा है, कोई प्रेडिक्शन नहीं है रेन की, कौन किस पे दाम लगा रहे हैं आप?
आई थिंक ऑब्वियसली न्यूजीलैंड, जल्दी जल्दी न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में दाम लगा रहे हैं मुइन भाई। मुझे भी न्यूजीलैंड पसंद है, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड मैं भी न्यूजीलैंड पे सेफ खेलूंगा क्योंकि इसको चाहिए मजीद पैसे। आज के स्कोर अनाउंस कर दूं जी प्लीज भाई, स्कोर बोर्ड लगाएं। आज तो आज बहुत पीछे ना, ना, जीता ने, बहुत आगे, आखिरी के सवाल है ना, अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला, टॉप पे चला गया। अब लेट्स सी कि गेस्ट हमारे कैसे खेले, बताओ भाई बताओ, जल्दी लगाओ टॉप पे कंट्रोल रूम। फरहान जीता अभी तक, गेस्ट में टाइम लगेगा, इतना आ गए, आगे भी आ गए। अरे नंबर वन हो चुके हैं आप हरुण, मुबारक हो, वेल डन, 429 बाय फार, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। अच्छा क्या वो था उससे पहले फरहान, अब लगाएं जरा ये पढ़े लिखे इमाद और मुइन भाई का स्कोर। अरे आज इमाद आगे निकल गया, निकल गया लड़का, निकल गया, अब वर्ल्ड कप तक पहुंच गया। 2347 and 2417 very close खादिर हजरात, जश्न क्रिकेट का टाइम यहीं खत्म होता है, कल दोबारा मिलेंगे, पता करेंगे कि इनकी प्रेडिक्शंस कैसी थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इस वक्त 12 बजने वाले हैं, हेडलाइन सुनिए और सो जाइए, जुबा उठकर पाकिस्तान के लिए अच्छा कीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।